हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, सिंपल काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे है, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और वीडियो का आप एक से दो बार प्ले कर देख सकते हैं। जहाँ तक आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है 1.1 या 1.2 तक, तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको 1.2 या फिर 1.3 तक का वीडियो आपको लेकर आना है। तो सबसे पहले आपके वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। और 1.1 या वो फिर 1.2 तक आना है, तो मैं 1.3 तक रहने 1.2 तक रहने देता हूँ। कैची के निशान पे क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। फिर से वीडियो पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद इसे आप फुल साइज कर देना है। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई सा भी कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे या डब्ल्यू एस लेयर पे क्लिक कर देंगे और इस लेयर को हमें लास्ट तक कुछ इस तरह से लेकर आ जाना है। इसके बाद इस वीडियो को अपने को डिलीट कर देना है और जो भी लास्ट का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट का हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे हमें फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की को सिर्फ इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद वीडियो आई तरफ लेकर आएंगे और फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है। तो 5.5 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और जो आपने सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 7.5 तक रहने देना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल साउंड को एक बार म्यूट कर देता हूँ और एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे है, तो वहाँ से आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो हमारा यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। तो इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, तो कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।